क्या ये मूवी बनेगी सबसे ज्यादा बजट में? पहले कौन से एक्टर को लिया गया था संजय के रोल के लिए? खलनायक के अलावा और कौन सी मूवी के रीमेक पर काम कर रहे हैं सुभाष घई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ खलनायक 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं खलनायक 2 के बारे में और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना होगा इस एक्शन सीक्वल का बजट और सुभाष के इस खलनायक के अलावा कौन सी मूवी के रीमेक पर काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1993 में संजय दत्त और सुभाष घई की खलनायक मूवी का बजट सबसे कम था और ये मूवी सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनी थी। इतने कम बजट में आज के दौर में हम किसी भी मूवी को इमेजिन नहीं कर सकते। और वही उस जमाने में सुभाष घई ने खलनायक जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई थी। बजट की कमी की वजह से ही उन्होंने नाना पाटेकर को भी मूवी में नहीं लिया था। उस वक्त नाना पाटेकर एक बहुत बड़ा नाम था और वैसे भी उन्हें खलनायक के किरदार के लिए एक यंग स्टार चाहिए था। इस रोल के लिए अनिल कपूर का भी नाम सामने आया था लेकिन उन्हें भी किसी वजह से नहीं कास्ट किया गया। कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आज मूवी के 20 सालों के बाद हम खलनायक मूवी को संजय के अलावा इमेजिन भी नहीं कर सकते। मूवी को हिट कराने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। सुभाष घई इस सुपरहिट मूवी का रीमेक बनाने जा रहे हैं और इस रीमेक को वो टाइगर श्रॉफ यंग खलनायक के रोल में लेने वाले हैं। आज के महंगाई के जमाने में कोई भी सिंपल मूवी 50 करोड़ से कम के बजट में तो नहीं बनती है और ये तो एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और वो भी एक सुपरहिट मूवी का रीमेक। तो इस मूवी का बजट 100 करोड़ या 150 करोड़ या उससे भी पार होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि सुभाष घई की किसी भी मूवी का बजट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि मूवी उनकी सबसे महंगी मूवी होने वाली है। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो 4 करोड़ में इतनी अच्छी मूवी बना सकते हैं तो वो 150 करोड़ के बजट में कितनी बढ़िया और एपिक मूवी बनाएंगे। और अब तो एक्शन फिल्मों में लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। खलनायक के अलावा सुभाष घई अपनी पहली डायरेक्टोरियल मूवी काली चरण का भी रीमेक बनाने वाले हैं। ये मूवी 1976 में आई थी और इस मूवी को NLCP ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, डैनी और प्रेम नाथ जैसे लीड एक्टर्स थे। सुभाष घई ने कंफर्म किया है कि वो काफ़ी वक्त से अपनी टीम के साथ खलनायक के सीक्वल और उनकी पहली मूवी काली चरण के रीमेक पर काम कर रहे हैं। अब उनके पास कहानी बनकर तैयार है। इस मूवी में भी हमें यंग जनरेशन के एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। बॉलीवुड में दो सुपरहिट फिल्मों का रीमेक जल्द ही दस्तक देने वाला है। आपको, जी हाँ आपको, सुभाष घई की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।